टू माई चैनल। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हम लोग कहीं जा रहे हैं और मैंने सोचा आज लंच जो है वो बाहर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग कहीं ऐसे ड्राइव पे नहीं गए हैं। और आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह से हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी और वेदर भी बहुत ठंडा था। मतलब हम लोग फ़ैन ऑफ करके जो है वो बैठे हुए हैं सुबह से। अभी थोड़ा सा मौसम में चेंज हुआ है पर फिर भी हमने सोचा कि चलो निकलते हैं। तो 2 ऑलरेडी बज चुका है तो हम लोग निकलते हैं और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में और दिखाती हूँ आपको रास्ते के नज़ारे। तो अभी क्या है ना कि यहाँ से लोनावला 1 घंटे पर रह जाता है हमारे घर से, तो यहाँ वेदर बहुत अच्छा रहता है और पहाड़ी और वो सब। इस टाइम मानसून में तो मुंबई वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो अगर आप लोग भी घूमने आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, टाइम मुंबई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है घूमने के लिए। यही वेदर है जो यहाँ पे आपको घूमने में अच्छा लगेगा, नेचर देखने में मज़ा आएगा। आज हमारे साथ जा रहे हैं केशव, लड्डू और माधव, क्योंकि वो लोग भी बहुत टाइम से नहीं गए हैं। ये चले गए थे गोवा और मैं चली गई थी घर, तो हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए और इस चक्कर में कहीं घूमना हो नहीं पाया। तो आज सडन मैंने प्लान बनाया कि चलो कहीं चलते हैं। तो मैंने सिंपल सा ये जो है वो कफ्तान ड्रेस पहना है, आज मैंने ये पहली बार पहना है और मुझे अच्छा लग रहा है पहन के, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा सा जो है ये है और इसकी लेंथ भी ना काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है और बहुत ही परफेक्ट एकदम लेंथ है। आपको कुछ नीचे पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। और अभी मैंने बाल जो है वो खोल रखे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से और बाल मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो बस निकलते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। दिखाऊंगी और दिल खुश हो गया इतनी ग्रीनरी एक साथ देख के, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, इतना अच्छा है। जो लोग भी मुंबई में रहते हैं एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका दिल खुश हो जाने वाला है। मैं पूरा नाम आम इसका मेंशन कर दूंगी और सब आपको अच्छे से दिखा दूंगी। अभी मैं आपको इसका पूरा टूर देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर है, मतलब इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको एक बार ही दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके के ना एंटीक सामान रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। कॉपर का वास है जो कि 7500 रुपये का है। प्लांट्स देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ लगे हुए हैं। ये बैठे हैं हमारे केशव, बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, सब सेल के लिए ही हैं। तो रेस्टोरेंट की थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहीं पर अंदर ये एक शॉप बनी हुई है जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वास मिल जाएंगे, केटल हैं डेकोरेशन के लिए, कुछ बर्ड थी, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो हैं वो अवेलेबल थी।
और थोड़ी सी प्राइजी थी, पर हाँ थी बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। और कुछ गार्डनिंग के टूल्स भी थे, जैसे कि आप देखते हैं ना ग्रास कटिंग के लिए कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं, वो सब भी यहाँ पर थी। और इस तरीके के जूट के कुछ बैग बने हुए थे जो कि ऑर्गेनिक थे, काफ़ी अच्छे है। पूरे सब कुछ मेंशन था कि कैसे किस चीज़ को बनाया गया है, कैसे क्या है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया है इस वाली शॉप से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो मुझे लगा कि बाहर नर्सरी पे थोड़ा सा सही रेट में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की मशीन्स भी रखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ से तो जो है वो कुछ नहीं किया। मैंने इतना शूट किया, उसके बाद एक यहीं के जो है वो बंदा बोलता है कि आप जो है वो वीडियो नहीं बना सकते, तो मैंने बस इतना बनाने के बाद वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था। पर यहाँ तक मैं शूट कर चुकी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा क्या था, कि बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। इससे बाहर निकलते ही जो है वो देखिए आप, इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी है। और आप देख सकते हैं ये नीचे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं ना, सारे सेल पे हैं, सब में टैग लगे हुए हैं। और कुछ वासेस रखे हुए हैं, कुछ लैम्प थे, मतलब हर तरह की चीज़ें थी। और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग थे, मतलब इसी के अंदर जो पेंट्री रेस्टोरेंट है जिसमें हम थे ना, वो उसमें भी चारों तरफ प्लांट ही प्लांट हैंग थे। एक शॉर्ट्स मैंने लिया है, वो मैं डाल दूंगी। एक्चुअली बहुत देर में खाना आया था, हम लोग सुबह से ब्रेकफास्ट भी बहुत हल्का किया था कि लंच पे जा रहे हैं, थोड़ा सही से खाएंगे, तो इस वजह से मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। क्योंकि जैसे ही लंच आया और हम लोग जो है वो खाने पर एकदम टूट पड़े। तो ये वाला एक बोनसाई आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का कवर्ड एक इन्होंने नर्सरी प्रॉपर बना रखा था, जिसमें आपको हर तरीके के जो है वो प्लांट्स मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर जो है वो जगह थी, ये प्रॉपर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ी नर्सरी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक नॉर्मल से साइज़ का एक रेस्टोरेंट बना रखा है, जिसका नाम है पेंट्री रेस्टोरेंट, वो बना रखा है। और एक एंट्री करते ही एक गौशाला भी है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और जब तक लंच वगैरह जो है वो डिले हो रहा था ना, तो ये मुझसे बोले तब तक तुम जो है वो पूरा विज़िट कराओ, अच्छे से घूम आओ जाके, क्योंकि खाना आ जाएगा उसके बाद तो जो है वो हमें खाना खाना ही है। तो बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो, ये बैठे हुए थे, केशव भी थे, और मैंने सोचा तब तक पूरा घूम लेती हूँ और आप सबको भी दिखा देती हूँ कि कैसी है यहाँ की नर्सरी। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। कैक्टस में बहुत सारी वैरायटी थी, छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। काउंटर पे आते हैं तो वहाँ यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से एक प्लेट रख रखी थी ब्रास की, जिसमें पानी भरा हुआ था और जो है वो पान रखे हुए थे। तो अपने आप ही जो है वो पान को बना के, और वो हनी रखा हुआ है, कुछ अलग तरीके की सौंफ थी, टूथपिक थी और लौंग थी, तो आपको अपने आप ही जो है वो पान बना के खाना है। बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट लगा मुझे। तो ये जो है वो जब हम लोग लंच वंच करके निकल आए थे, तो मैंने सोचा कि प्रॉपर एक बार फिर से मैं जो नहीं घूमा है वो भी घूम लेती हूँ। तो आप ये वाइट वाला जो पैनल देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक ओपन शॉप टाइप का था, जहाँ पर टेराकोटा के और भी बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग तरीके के डेकोरेशन की चीज़ें थी, और बहुत सारे तरीके के प्लांट्स भी थे वहाँ पर भी। संडे है और सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन करीब हमें 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद हमारा ऑर्डर आया, भूख से बुरा हाल हो गया था, लेकिन
अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आम के पेड़ हैं, जो कि बॉन्साई वाले आम के पेड़ हैं, जिनकी हाइट छोटी ही रहती है। तो बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है प्लांट्स में, तो मज़ा आ गया देख के। और अब हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। बाय।